गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ, कैसे हो आप लोग? आप लोग बढ़िया? तो चलो देखते हैं। और आप लोग खुश भी होंगे कि आप लोग की भी स्कूल स्टार्ट होने वाली है। तो टेंशन मत लेना, सब कुछ अच्छे से होगा। चलो, अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्लेन मिरर में देखा था इमेज फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है? तो कि प्लेन मिरर में कैसे बन रहा था हमारा इमेज फॉर्मेशन। तो प्लेन मिरर के बाद हमारी बात होती है स्टार्ट स्फेरिकल मिरर की, ठीक है? प्लेन मिरर के बाद जो हमारी बात स्टार्ट होती है वो स्फेरिकल मिरर की होती है। देखो, स्फेरिकल मिरर और मैं जो लेंस है ना, वो मैं आपको अभी बस इसका फॉर्मेशन के बारे में समझाऊंगा। लेंस का बाकी सारा बाद में पढ़ेंगे मिरर कंप्लीट करने के बाद, बट अभी बस थोड़ा सा फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ कि मिरर और लेंस मतलब कैसे कैसे दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? मिरर और लेंस कैसे कैसे दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये बस मैं अभी बताऊंगा। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो अपन लेंस के बारे में फर्दर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी अपन देखेंगे कि यार देखो, मिरर की अगर अपन सीधा सी बात करें, स्फेरिकल की बात करें, तो यार ये देखो, एक स्फेरिकल जैसे ये सरफेस है हमारा, ठीक है? ये स्फेरिकल अगर ये हमारा सरफेसेस है, तो सरफेस में क्या होता है, अगर इसको सीधा सीधी भाई साहब इसको ना बीच से कट कर दो, ठीक है? इसको आपने क्या कर दिया, बीच से कट कर दिया। तो जैसे बीच से कट कर रहे हो ना, एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया, तो लो इसको अलग भी कर लो, ठीक है? ठीक है, ये हो गया। तो अभी इसमें क्या करना है, ये दोनों हो गए। तो एक चीज और ध्यान देना, यहाँ जो बीच में होता है ना, ये होता है हमारा सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है? तो इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि अगर आप इसको पूरा प्रोजेक्ट करोगे, इसको अगर आप पूरा प्रोजेक्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है? ये भी अगर पूरा प्रोजेक्ट, तो ये तो यहाँ इसके लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके लिए भी, ठीक है? चलो इस डायग्राम को थोड़ा नीचे अच्छे से बनाते हैं दूसरे पेन से। भाई ये पेन थोड़ा कट कर रहा है चलने में, कोई बात नहीं, ब्लू ही है बट ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो, एक ये पार्ट ऐसे कटा और ये पार्ट एक ऐसे ऐसे कट गया, ठीक है? तो अभी क्या हो रहा है, तो इस दोनों का भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, ठीक है? तो वो तो यहाँ से देख लिया तुम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे हो रहा है। सबसे एक चीज़ मैं बताना चाहूंगा, कभी भी तुम जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कॉनकेव, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉनकेव, मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है। केव तो देखे हो ना, शेर का गुफा, केव तो पता ही होगा। तो केव क्या देखते हो, केव में क्या होता है, अंदर जाने की ओर रास्ता होती है, अंदर जाने की ओर रास्ता होती है, और वो उसका माउथ क्या ओपनिंग होता है। अगर उसको अपन देखें तो ये ऐसा टाइप का बना होता है, ये देखो, ये ऐसा ऐसे अंदर टाइप का बना हुआ है, अंदर जाने का रास्ता है, तो क्लोजिंग तो है नहीं। तो इसका मतलब कॉनकेव मिरर मतलब क्या हो गया, कि उसमें अंदर जाने का रास्ता, मतलब उसके उसके जो सरफेस होंगे ना, उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस होगी वो अंदर जाने की जाती है, मतलब कि उसको तो अगर अपन बाहर से ऐसे ऐसे कोटिंग कर दें ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉनकेव, ठीक है? और अगर इसको अपन अंदर से कोटिंग कर देते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अभी इस वाले में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया, ये वाला हो गया ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस वाले में ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है? तो ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ ना, देखो कॉनकेव के केस में क्या हो रहा है, अंदर की ओर जा रहे हैं, ये है तो इसमें अंदर की ओर जा रहे हैं, ठीक है? कॉन्वेक्स के केस में बाहर वाला होता है, अंदर पॉलिश होता है और बाहर अनपॉलिश होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। कॉनकेव मतलब बस ये देखो, कॉन केव, ठीक है? कॉन केव, केव टाइप का स्ट्रक्चर है। तो कॉनकेव में हम लोग ये क्या बोल सकते हैं, हम लोग एक चीज बोल सकते हैं ना, कि जो पॉलिश्ड पार्ट है,
पॉलिश्ड पार्ट इज आउटर पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, या हाफ स्फेरिकल मिरर बोल सकते हैं कि हाफ ही तो है, या एक सेक्टर बोल दो, ठीक है। इसलिए मैंने मिरर लिख दिया। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें पॉलिश पार्ट क्या हो जाएगा, इसमें पॉलिश पार्ट किसको बोलोगे, इज इनर पार्ट, ठीक है। अभी थोड़ा ग्रामर व्रामर इधर मैंने नहीं सीखा, अब इसको ग्रामर में अगर देख के लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, इन द कॉनकेव मिरर द पॉलिश पार्ट इज ऑन द, मतलब द पॉलिशिंग इज डन ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, बट इन द कॉन्वेक्स मिरर द पॉलिशिंग इज डन ऑन द इनर पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये हम लोग ऐसा बोलेंगे। तो अभी ये तो हो गया, अभी देखना, अब हम इसमें लेंस कर बस दिखाएंगे तुम लोगों को। अच्छा एक चीज और, एक चीज और यहां समझने की कोशिश करना, कठिन नहीं है भाई साहब। आप लोग अपना अपना डिश टीवी देखे हो, डिश टीवी में देखना वो एक मिरर की तरह होता है, और इधर पे क्या होता है, ये सारा ये ऐसे, मतलब यहाँ पे होता है क्या बोलते हैं उसको, रिसीवर, ये जो आप लोग देखते हो ना इधर से निकल के यहाँ पर आता है वही रिसीवर है। आखिर डिश टीवी का डिजाइन ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं है, और यहाँ रिसीवर ऐसा, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जो भी चीज है, देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आया, अभी इस पे आया तो कुछ ना कुछ एंगल के साथ आया, तो वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस पे आ गया, ये रिसीवर पे आ गया, ठीक है। आप देख लेना, इनफैक्ट आप सर्च भी करोगे तो अभी हमारा जो चाइना है ना वो एक सोलर, आर्टिफिशियल सोलर लाइट बना रहा है, ठीक है, सोलर, क्योंकि वो क्या करेगा, एक बहुत बड़ा सा मिरर है उसको हम लोग स्पेस में वो अपने कुछ एरिया के पार्ट के ऊपर लगाएगा, जिसकी वजह से उनका क्या होगा कि लाइट की उनके पास कमी नहीं होगी, वो बहुत ऊपर ले जाके लगाएंगे जहाँ से सन का लाइट उसको मिलेगा, तो रिफ्लेक्शन की वजह से, तो उनको फिर ये सब, मतलब वो आर्टिफिशियल सन की तरह चीज है। तुम यूट्यूब में सर्च करोगे आर्टिफिशियल सन बाय द चाइना तो तुमको कुछ ना कुछ वैसा मिलेगा, ठीक है, वो चाइना अभी इस पे काम कर रहा है। तो एक्चुअली हम लोग का कर्व सरफेस होने का मतलब क्या है कि सारा लाइट इस पे पड़ के कहाँ कंसेंट्रेट हो रहा है, सेंटर की ओर कंसेंट्रेट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इस पे लाइट पड़ रही है सेंटर की ओर, मतलब इसी साइड में रह गया ना, और ये कहीं ना कहीं तो मीट कर रहा है, बट इस वाले केस में क्या होता है ना, ये जैसे आता है और ये दूर भागता है, ठीक है, ये जो होता है ना ये सेंटर से दूर चले जाने लगता है। तो इस वाले में क्या होता है ना कि सारा कन्वर्जिंग होता है, इसमें क्या हो जाता है सारा कन्वर्जिंग होता है, ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है सारा डाइवर्जिंग हो जाता है। मतलब इनकमिंग तो कन्वर्जिंग नहीं बोल सकते हैं, और डाइवर्जिंग, इनकमिंग तो ठीक है, बट जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वहां पे बोलते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मिरर देख लिया तुम लोग, अब लेंस को समझ लेना। जैसे कि जो देखो स्फेरिकल पार्ट अपन ने ऐसे काटा ना, ठीक है, इधर से भी, और एक और स्फेरिकल, दो स्फेरिकल पार्ट हम लोग काट के दोनों को अटैच कर दिया, ठीक है। अब अटैच कर देंगे तो ये हो गया। तो अभी ये वाला जो क्या हो जाएगा, अभी देखो यहाँ पे केव का फॉर्मेशन तो अंदर में है ना, बट हमारा लाइट कहाँ पड़ रहा है, हमेशा बाहर की ओर पड़ रहा है, तो हम लोग उसके हिसाब से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स, मतलब मिरर इज जस्ट अपोजिट टू द लेंस। मिरर में जो कॉन्केव होगा इधर जाके कॉन्वेक्स होगा, और जो वहां पे कि यहाँ देखो दो हाफ हाफ वाला दो ऐसे मिला, ये ऐसे मिल गया, ठीक है, तो मतलब इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग इसी दोनों पे हो रहा है ना, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग नहीं पड़ता, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्ट मतलब सेम मीडियम, रिफ्रैक्शन मतलब मीडियम चेंज हो रहा है, ये तो इसमें आया फिर इधर से गया, तो इसीलिए। और उसमें क्या हो जाता है हमारा, ये ऐसे वाला था ना हमारा, इसको सेम टू सेम एक अलग ऐसे वाला एक और मिला दो, लाते वहाँ ये चीजें होती है, ठीक है। और एक चीज दोनों का जो, अब तुम एक चीज और समझ लो बस थोड़ा सा यहाँ पे, कि इसका जो है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके लिए भी बनाओ एक बार, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा बन गया तो फिर दिक्कत करेगा। चलो इसको अगर अपन
इधर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट करो। और इसको इधर प्रोजेक्ट करो, तो इस दोनों का जो सर्किल बनेगा ना भाई, कहीं ना कहीं सेम बनेगा। क्यों क्यों सेम बनेगा? क्योंकि इस दोनों का जो तुम सेक्टर मेजरमेंट जैसे ये लगा रहे हो, अगर ये थोड़ा ऊपर नीचे हो तो इट मे बी, चलो मान लो ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो ये देखो इसका ये पॉइंट, चलो ये तो यहाँ टच करा दे, बट ये समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर टू ऑल? तो इधर इसलिए जो ये पॉइंट है ना, जितना इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उतना इधर भी होगा, ठीक है? और इसका भी तुम बना लो, लो इसको अगर अपन पूरा सर्कल करते जाओ, इसको भी पूरा सर्कल करते जाओ, तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ होता है। चलो यहाँ बस लेंस में अभी, और हम लोग इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, इतना सोच लिए बहुत है। चलो अब हम लोग आते हैं अपने मिरर पे। तो मिरर में शायद मैंने बताया है कि नहीं बताया, मुझे याद नहीं है, बट नहीं फिर भी अगर बताया चाहे नहीं बताया, एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसको अगर तुम पूरा सर्कल कंप्लीट करो, पूरा एक सर्कल को कंप्लीट करोगे, ठीक है, समवट लाइक दिस। अभी ये जो इसका सेंटर पॉइंट होगा ना, यहाँ से एक लाइन मतलब इस से डायमीटर ड्रॉ करते हुए इधर ले आओ, तो ये जो पॉइंट है ना, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? ये पॉइंट हो गया। अभी और ये जो पॉइंट हो जाएगा उसको बोलेंगे सी, एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? इधर तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग इसमें और आगे देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज देखा जाता है। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही हम लोग एक चीज और बोलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? ये तक क्लियर है यहाँ तक? प्रिंसिपल एक्सिस और ये सब क्लियर हो गया। अभी क्या होगा कि हम लोग इसमें एक चीज और देखेंगे, ये जो पॉइंट इधर से आया है ना भाई, ये जहां पे डायमीटर का मतलब इसका सेंटर होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा पोल, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। फिर हमारा तो होता है फोकस, ठीक है? हमारा क्या होता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक? तो देखना मोस्टली जो हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है, इट विल लाई ऑन द मिडल ऑफ पी एंड सी, मोस्टली क्या हमेशा यार यार एक्चुअली जो मेरे मुंह से मोस्टली जनरली कैसे निकल जाता है हमें भी कभी कभी नहीं पता चलता है, भगवान ही बचाएगा जब मैं ऑनलाइन अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा और वहाँ क्लासेस लूंगा, तो आई नो दैट आई नीड, मेरे को बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड सून आई विल लॉन्च माई ओन यूट्यूब चैनल, द छोड़ो उसकी प्रमोशन अभी नहीं करते हैं, ये तो सही नहीं होगा। चलो यहाँ पे एक होता है फोकस, ठीक है? फोकस को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, तो ये इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एफ, ठीक है? ये प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी ना, और जो रिफ्लेक्ट होकर जहां से जाएगी ना, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। जैसे कि लो इधर पे मैं ऐसे बना देता हूँ एक, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? तो ये चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये तो पी हो गया, ऐसे ये लाइट इधर से आया ना, इधर से कट जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ये पैरेलल लगा रहा आ रहा है, ये सारा ऐसी पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, दिस एफ इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस।
ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और इसमें और तो कुछ बचा नहीं, पोल हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, सी हो गया। हाँ एक चीज और बच रहा है, ये नाम दे दो ए एंड ये नाम दे दो बी। इस ए एंड बी इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है, और द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। क्या बोलोगे, ए एंड बी आर द अपर्चर और मिरर एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हम लोग बात करें, ये तो कॉनकेव हो गया, अब कॉन्वेक्स की बात करेंगे, तो भाई सारा कुछ वही है। ये देखो अगर इसको अपन इधर से ऐसे कर दें तो ये यहाँ से भी प्रिंसिपल फोकस गया, सारा कुछ इसमें वही है, देर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस, ठीक है। तो अभी हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे एंड दैट विल बी, मैंने पहले भी बोला था कि अब आपकी क्लासेस थोड़ी लंबी होगी, तो देखो मैं एक्चुअली क्लास लंबी इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग का जो सिलेबस है ना, सिलेबस वो थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि इन अ मंथ में कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि यार आप लोगों को रिवीजन का टाइम चाहिए और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, एज मच एज तुम लोग जितना रिवीजन करोगे उतना सही रहेगा। ऐसे अगर क्लासेस रेगुलर चलती तो मैंने क्या बोला था, शायद मैंने आप लोगों को बोला था जून और अगस्त का टाइम कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगा एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लेके, बट कोरोना की वजह से कुछ हो नहीं पाया, तो कोई बात नहीं, उदास नहीं होते हैं, ठीक है। चलो एक चीज लिख लेना, पॉइंट डाल के, कि कॉनकेव मिरर कॉन्वर्जिंग, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग, ठीक है। और वो आते हैं आगे, जो आज मेरे को मेन पढ़ाना था आप लोग को, अभी तक तो ऐसे ही चल रहा था सब कुछ, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो आज मेरे को मेन पढ़ाना था आप लोगों को यही चीज, ठीक है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सॉरी यार एक फोकल लेंथ बच गया था ना, चलो इसको फटाफट कंप्लीट कर लो। ये फोकस का वो जो डिस्टेंस होता है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। पी से एफ का जो डिस्टेंस है यही है फोकल लेंथ, ठीक है, तो सोचने का कुछ नहीं है। चलो अगर अपन अब यहाँ पे आते हैं पूरे कायदे और कानून के साथ, सबसे पहले हमें एक क्या बनाना चाहिए, डायग्राम, सबसे पहले हमें क्या बनाना चाहिए, डायग्राम। और यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, पी। अभी देखो इधर से एक लाइट आया, अभी ये सारा हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट सी है, सी को और पीछे करें क्या, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, ये पॉइंट सी है, ये कुछ भी नहीं है, ये पॉइंट एफ है, ठीक है। तो देखो हमारा जो एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है और जैसे जाता है ना वैसे चला भी जाता है, लौट भी जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या है, एकदम सेम फंड है भाई साहब, वहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं, जिससे जा रहा वैसे जाएगा, वो उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा क्या होता है, हमारा एफ के साथ निकल जाता है, सॉरी दूसरा जो हमारा होता है वो एफ के साथ
ऐसे निकल जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं, लेट द इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम ओ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, अभी ये देखो भाई, हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब पढ़ रहे थे तो ये तो बीच का नॉर्मल था। अगर तुम यहाँ से ड्रॉ करोगे ना, तो ये तो वो नॉर्मल दिखेगा, ये पूरा नॉर्मल है। तो ये आई और ये क्या था, आर था। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को, एंगल आई और एंगल आर इसको लिखना पड़ेगा या समझ जाओगे। पी एफ फोकल लेंथ, जिसको कि अपन एफ से शो करेंगे। ठीक है, और स्टेटमेंट वगैरह देखो, सुन लो ध्यान से, अभी लिखने जाऊंगा ना तो बहुत टाइम लगेगा। स्टेटमेंट तुम देना होगा तो ये देना, कंसिडर कॉनकेव मिरर ऑफ ए स्मॉल अपर्चर, पी इज द पोल ऑफ द मिरर एंड पी सी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो पी सी है वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये वाला जो हो गया, पी पोल है और पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एंड सी एम इज, ठीक है सॉरी, सी ए इज चीफ मिनिस्टर ने करंट अफेयर्स, तो बैंक एग्जाम वाले जानते हैं। सी ए इज नॉर्मल टू द अपर्चर, ये लिख सकते हो, सी ए इज नॉर्मल टू द अपर्चर, मतलब अपर्चर का हमारा वो नॉर्मल है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आगे क्या लिखोगे, ओ एम इज द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट देन इट गेट इन रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ए सी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ये ए एफ, तो ये सब तुम लोग लिख लोगे। हम लोग आते हैं सीधा सीधे अपना काम पे, तो यहाँ क्या लिखोगे, फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हम लोग पढ़े थे, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। अभी इसका हम लोग नामांकन कर देते हैं। ठीक है, इसका हम लोग नामांकन कर देते हैं, इंसिडेंट ही है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, मत बोलना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसका मतलब भूल मत जाना। ठीक है, एकदम दिमाग में रखने का है। और इसका अगर नामांकन करना होगा तो वो नामांकन कर लेना, जैसे कि आई को क्या बोल सकते हो, ओ ए सी, ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल आर ओ, क्या बोल सकते हो, सी ए एफ या एफ ए सी, एफ ए सी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, अभी आगे बढ़ो। एक चीज देखना तुम, ये और ये लाइन पैरेलल है, सोचो ये और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, दोनों पैरेलल है, तो अभी हम लोग अब कॉन्ग्रुएंसी वाला सिस्टम पे आते हैं। ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वहाँ पे हम लोग आते हैं थोड़ा। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे हम लोग देखो, हम लोग दो तीन तरीके से भी उसको देख सकते हैं, और आपको मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो ये तरीका हो सकता है कि एंगल आई ये है, भी है ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है, और ये क्या ट्रांसवर्सल लाइन, एंगल आई और ये क्या पढ़े थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। ठीक है, तो ये और ये हो गया, नहीं अल्टरनेट एंगल, सॉरी मैं भी भूल, ये अल्टरनेट, ये था कॉरस्पॉन्डिंग, ये और ये अल्टरनेट होता है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल के थ्रू से एंगल ये और ये इक्वल है, और ये जब ये आई हो गया, और आई और आर पहले भी इक्वल है,
हमारा ये क्या हो जाएगा, तो हम लोग चलो वहीं से करते हैं। हेंस AO इज पैरेलल टू PC, जो हमारा AO है वो PC के पैरेलल में है, ठीक है। तो जब ये PC के पैरेलल में है तो हम लोग ये बोल सकते हैं एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल FCA, OAC एंगल I इज इक्वल टू FCA, ठीक है, एंगल I इज इक्वल टू FCA, ठीक है। अब देखो यहाँ एंगल R इज इक्वल टू FCA, तो अगर हम ट्राइंगल की बात करें FCA की या FAC की, इसमें क्या हो गया, ये ट्राइंगल की बात करें तो क्या हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो गया ना भाई, समझ में आ रहा है, ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया। जैसे ये और ये एंगल सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ये भी सेम हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये नाम क्या था, हेंस इज आइसो स्केल, ये क्या हो गया, आइसो स्केल FE इज इक्वल टू FC। इधर तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग एक चीज थोड़ा कंसिडरेशन करते हैं, लेट कंसिडर इट इज अ वेरी स्मॉल अपर्चर, ये बहुत एक छोटा सा अपर्चर है, हम लोग ये कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ये कंसिडर करेंगे तो जैसे हम लोग बोले ना, ये बहुत छोटा है अपर्चर, इतना छोटा कि ये पॉइंट यहीं लाइक कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट यहीं लाइक कर रहा है। तो एक चीज समझने की कोशिश करना, ठीक है, जैसे हम लोग स्मॉल कोशिश करेंगे ना, जैसे हम लोग स्मॉल सोचेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा PF और FA इक्वल है, PF इज इक्वल टू FA, हम लोग क्या बोला, बहुत इतना छोटा अपर्चर है ना, इतना छोटा अपर्चर है कि ये यहीं लाई कर दिया, बहुत छोटा है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस तो बराबर हो गया, इज इट क्लियर और नॉट, ये डिस्टेंस बराबर हो गया, तो हम लोग यहाँ पे PF इज इक्वल टू FA लिखेंगे। अभी देखो इसको नाम दे दो 1 और इसको नाम दे दो 0.2, तो अब हम लोग आते हैं P और C को तुम क्या लिखोगे, PC को क्या लिखोगे, PF प्लस FC, ठीक है, PC को क्या लिखोगे, PF प्लस FC। तो अभी PF और FC को देखना, PF इज इक्वल टू FA एंड FA इज इक्वल टू FC, क्या आया है, PF इज इक्वल टू FA एंड FA इज इक्वल टू FC, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, FA इज इक्वल टू PF, ठीक है, या PF इसलिए तो दिया ही हुआ है इज इक्वल टू FC, हम लोग बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना भाई। तो PF और ये इसके जगह पे FC की जगह पे भी PF PC 2 PF, PF इज इक्वल टू PC बाई 2, ये आया ना, फटाक से बना लो, तो पीछे बार बार पलटोगे कंफ्यूज करोगे। ये सी है, ये पी था, ये ए था, ये ओ था, ये आई है, ये आर है, और ये क्या हम डालते हैं, एफ था ना, यहाँ क्या आ गया, पी एफ मतलब फोकल लेंथ, बोले तो एफ से शो करते हैं। पी सी क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर,
लिख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर बाई टू है, तो हम लोग लिख दें एफ इज इक्वल टू सी बाई टू। यही तो रिलेशन हमको फाइन करना था, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया होगा तो काइंडली इसको अभी रिटेक मोड में देख लेना, ज़्यादा दूर से नहीं शुरू हुआ है, बस इसी को तो रिटेक मोड में देखना है। सब मत देख लो, एक फिर से मैं समझा रहा हूँ। ये हमारा है